वेलकम एंड लेट्स कंटिन्यू आवर मैथ सेकंड थर्ड चैप्टर दैट इज ट्रायंगल एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज सिमिलर ट्रायंगल. सो स्टूडेंट टुडे वी सी व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट एंड व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल. सो व्हेन वी से टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड व्हेन वी से टू ट्रायंगल आर सिमिलर. सो सी हियर फर्स्ट वी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. See, these two triangles means A, B, C and P, Q, R. Here, each means this side, means this AB is congruent to PQ, then BC congruent to QR and side AC congruent to side PR. Means, यदि ये दोनों triangle को हमने या कोई भी congruent figure जब एक के ऊपर एक means जैसे ये ABC triangle और PQ R इसको अगर इसके ऊपर रख दिया जाए तो इसके सभी vertices means P को A इस B को Q और C ये एकदम क्या तंतु जिसे हम बोलेंगे means एकदम पूरी तरह से ढक देंगे. कोई भी साइड बड़ी छोटी नहीं होगी. तो ऐसे कोई भी triangles होगा या कोई भी figure होगी उसे हम क्या कहेंगे congruent figures. means अब यहाँ पे ट्रायंगल है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे. तो अब इसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी कि इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट मींस इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर सी दिस सेगमेंट और साइड एबी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट और साइड पीक्यू सेगमेंट BC congruent to segment QR and segment AC means side AC congruent to segment PR and what about the angle congruent triangle हो या similar triangles दोनों के angles same होंगे same होंगे. तो यहाँ पे angle A और P means first means angle A congruent to angle P, angle B congruent to angle Q, angle C congruent to angle R. अगर ऐसी condition होती है तो हम क्या कहेंगे therefore triangle A, B, C congruent to triangle P, Q, R. तो सिर्फ इसी condition में हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. ऐसा नहीं कॉन्ग्रुएंट के हमने टेस्ट भी देखे कि दो एंगल बीच में साइड या फिर दो साइड बीच में एंगल होगा तो भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है. तो कॉन्ग्रुएंट में हमें सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि जो साइड्स होगी जैसे ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. ये अगर 5 ये 5 होगा अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा. मीन साइड क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. बट व्हाट अबाउट द सिमिलर ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन पहले भी हम ले चुके हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा. अब सिमिलर में यहाँ पे सभी फिगर आप देखिए तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ये इनके जो फिगर है मीन्स आकार वो एक जैसा है लेकिन साइज क्या है डिफरेंट है. तो ऐसे जो फिगर होंगे वो सिमिलर मीन्स एक जैसे दिखने वाली फिगर. तो यहाँ पे ये छोटा है सर्कल है तो ये बड़ा है लेकिन दिखने में एक जैसा है. ये फिगर देखिए ये स्क्वायर छोटा ये बड़ा. तो ऐसे जो फिगर्स होंगे उससे हम लोग सिमिलर फिगर्स कहेंगे. लेकिन व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे. तो यहाँ पे आपको ये जो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंट और यहाँ पे सिमिलर के लिए आपको सिर्फ इस तरह से सिंबल देना है कि व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर. तो अब यहाँ पे अगर हमने ट्रायंगल ले लिए दो मान लीजिए ट्रायंगल ले लेते ए बी सी पी क्यू आर. तो एंगल के लिए तो कॉन्सेप्ट सेम है कि जैसे इसमें सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वैसे यहाँ पे भी सभी करस्पॉन्डिंग एंगल मींस एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एंगल बी congruent to angle Q, angle C congruent to angle R, but corresponding sides are in proportion means
यहाँ पे जैसे साइड सेम सेम होती है वैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। मीन्स क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल के नाम लिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम एंगल्स क्या हो गए, इसी के कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगी। लेकिन अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड से लिखना है फर्स्ट टू लेटर मीन्स AB upon PQ equal to BC second third BC, यहाँ पे second third है तो यहाँ पे भी second third means QR and AC, ये AC तो यहाँ पे भी AC के बदले यहाँ पे क्या PR means AC upon PR। तो ये जो ratio अगर ये सेम आया means जो AB upon PQ की वैल्यू होगी वही BC upon QR की भी आनी चाहिए, वही वैल्यू BC AC upon PR की भी होनी चाहिए, तब हम लोग उस ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। मान लीजिए इसका आंसर कुछ वैल्यू जब एग्जांपल सॉल्व करते समय जब आपको वैल्यू दिए होंगे तो यहाँ पे अगर 1 upon 2 आता है तो ये भी क्या होना चाहिए 1 upon 2, इसका भी आंसर 1 upon 2 होना चाहिए। अगर ये 1 upon 2 है ये 5/4 या कुछ अलग वैल्यू होता है, सिंप्लीफाई होकर करके भी 1/2 नहीं आता तो उसको सिमिलर नहीं कहेंगे। सिमिलर होने के लिए आपको ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन वी से देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन मींस देयर रेशियोस आर सेम। तो उनका रेशियो कैसे फाइंड आउट करने का, ए बी फर्स्ट टू लेटर ए बी अपॉन ए क्यू बी सी अपॉन क्यू आर एंड AC upon PR, अगर इस तरह से कंडीशन होती है तब हम लोग उस पे क्या कहेंगे कि गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मींस अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और यहाँ पे अगर सभी साइड्स दिए हम लोग उसे साइड टेस्ट से, क्योंकि सिमिलर के लिए भी यहाँ पे कुछ टेस्ट है जो हमें वो दो ट्रायंगल के लिए बताएगी। लेकिन यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ये है कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन से देयर करस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन मींस देयर रेशियोस आर इक्वल, तो इस तरह से आपको लिख के आना चाहिए। और एक अगर मैंने दिया कि लाइक द करस्पोंडिंग साइड से हियर इन ट्रायंगल और ट्रायंगल एल एम एल सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड देन राइट देयर करस्पोंडिंग एंगल्स एंड करस्पोंडिंग साइड्स। अब यहाँ पे इनके करस्पोंडिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कैसे दिखाएंगे, एंगल एल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स, एंगल एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, एंगल एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। बट व्हाट अबाउट द करस्पॉन्डिंग साइड्स, अब करस्पॉन्डिंग साइड इस तरह से नहीं लिखना है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स से लिखाते हैं इक्वल लिखा है या कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे इनको इनका रेशियो, तो रेशियो कैसे लिखना है, फर्स्ट टू लेटर मींस एल या अपॉन इधर भी फर्स्ट टू लेटर एक्स वाई इक्वल टू देन सेकंड टर्म, अब दूसरा और तीसरा लेटर मीन्स ये साइड एम एन, तो एम एन अपॉन वाई जेड इक्वल टू, अब फर्स्ट और थर्ड और यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो क्या आएगा, एल एन अपॉन एक्स जेड। तो इस तरह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है आपको अगर एंगल पूछ रहे हैं तो आप इस तरह से एंगल लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स पूछा होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, और उसके अगर मेजरमेंट दिए हैं कुछ मेजरमेंट फाइंड आउट करने को कहा है तो ये लिखने के बाद उसमें आपको क्या करनी होगी, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम लोग अब प्रैक्टिस सेट लेंगे तो उसमें क्वेश्चन हमें मिलेंगे। लेट्स कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एल then write the corresponding angles of two triangles and also write the ratio of the corresponding sides. जैसे
अभी हमने सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इनका जो डिस्टिंग बिटवीन था देखे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिए, तो ट्रायंगल एक्स वाई है इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एल, ये सिंबल सिमिलर का है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, तो इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे एंगल ए वो कॉन्ग्रुएंट एंगल एल, एंगल वाई कॉन्ग्रुएंट जो एंगल या मिडल में है यहाँ पे मिडल में मींस एंगल जेड लास्ट जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल या, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन सेकंड क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड एंड यू नो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन their corresponding sides are in proportion, so their ratio, उनका ratio क्या होगा, कैसे लिखना है, तो first two letter लेंगे तो x y upon l m equal to y z upon m n equal to first term means x z, x जे और इसमें यल यल, ये हो गया रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग। तो जब भी आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दिया तो इस तरह से आपको रेशियो लिखते आना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें एक ट्रायंगल उसकी इंफॉर्मेशन दी, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड similar to triangle BQR and PQ is 8 cm. अब यहाँ पे PQ की वैल्यू भी दी है। Then find the length of remaining side of triangle PQR. जैसे यहाँ पे PQ की वैल्यू दी है, तो और remaining two sides जो है वो find out करना है। तो example इसमें यहाँ से शुरू करेंगे, information दी है और क्या कहा है कि triangle XYZ similar टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल एक्स वाई जे ये सिंबल सिमिलर मीन सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन राइट देयर करस्पोंडिंग साइड्स दैट आर इन प्रोपोर्शन। सो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स वाई अपॉन पी क्यू इक्वल टू वाई जेड सेकेंड थर्ड, यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू फर्स्ट थर्ड मीन्स एक्स जेड अपॉन पी आर, यहाँ पे रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड। देन पुट द वैल्यू, अब जो जो वैल्यू दिए आप इसमें पुट कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज 4 सेंटीमीटर, राइट हियर 4, दिस पी क्यू इज गिवन 8, तो 4 अपॉन 8, देन वाई जेड y z 6, qr is not given, then see this x z that is 5 upon pr. अब ये अगर first two compare करते तो आपको cross multiply करके qr के value मिल जाएगी। यहाँ simplify भी हो रहा है, 4 बन जा 4 2 जा, आप उधर simplify भी करके आगे continue करेंगे तो भी answer same होगा। यहाँ पे directly आप क्या करो, taking this first two means 4 upon 8 equal to 6 upon QR and do cross multiplication. अब cross multiply करना है तो 4 into QR equal to 6 into 8. अब ये 4 इधर जाके 6 into 8 divided by 4 हो जाएगा। अब इससे जब कट करेंगे तो 4 बन जा and 4 2 जा. Then what is the value of this QR? Means 4 1 जा 4 2 जा 8 and 6 2 जा 12. So this QR that is 12 centimeter. QR की वैल्यू यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में, इस वजह से भी हमें क्या करना है, सेंटीमीटर देना है। फिर आपको अब फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करना है,
यहाँ पे दोनों वैल्यू दी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पी आर फाइंड करना इजी हो जाता है। अगर ये फर्स्ट टू भी अगर हम लेते हैं तो भी आपको कम आंसर मिलेगा, लेकिन क्यों आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। और फिर यहाँ पे देखिए 4 1 4 2 जा, इट्स 1/2। अगर मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ तो 6 1 जा 6 2 जा 12, मीन्स यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करना है, इसको फर्स्ट और लास्ट को। सो टेकिंग 4/8 = 2, मीन्स दिस 4/8 एंड 5/PR, अगेन टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मीन्स 4 × PR = 8 × 5। अब 4 मल्टीप्लाई फिर से इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 8 × 5/2, 4 × 2 जा, तो दिस PR = 5 × 10 cm। तो अगर यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो ये 5 × 5 जा, मीन्स सभी की रेशियो 1/2। मीन्स अगर ऐसा आप देखोगे तो यहाँ पे 4/8, 6/12, तो आपको एक जैसा नहीं दिखेगा। लेकिन आप सिंप्लीफाई करोगे, जैसे ये 4, ये चेक करने के लिए कि 4/8, ये 6/2, आर की वैल्यू 12, ये 5/3, आर की वैल्यू 10, तो ये 4 1 जा 4 2 जा 6 1 जा 6 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, सभी वैल्यू क्या है 1/2 है। देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर, मींस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे सभी का जो रेशियो साइड्स है वो क्या है, सेम आ रहा है। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वो था सिमिलर।